भगवान व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना, भगवान रस है, रस। सो वही सहा रसये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, भगवान रस स्वरूप है। जब तक हम रस स्वरूप नहीं होते तब तक उसका हमारे साथ पूरा मिलना कैसे संभव होगा। और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भक्ति की पूर्णता भी नहीं होती है। महाराज इसलिए आरंभ में ही कहते हैं, आप जिसका चिंतन करना चाहते हैं उसके प्रति आपके अंतकरण के पिघले हुए अंतकरण की प्रेम वृत्ति का अखंड प्रवाह बहा। आपको सत्य बात बतलाता हूं, अधिक देर नहीं, थोड़े मिनटों के लिए भी इसको अखंड बहने का अनुभव कीजिए और क्या होता है देखिए जीवन। बस एक ही बात है कि अव्यवहित बीच में एक भी अन्य विचार प्रवेश ही नहीं कर पा। यह सेकंड की बात नहीं है, सेकंड से भी छोटा 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 अन्य कुछ भी बीच में नहीं आवे। सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। बिना नेत्रों के मूंदे समाधि का अनुभव आ जाएगा। हिमालय में जाकर के नहीं, अपने घर में बैठ करके आ जाएगा। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकतांगता। देखो हम भक्ति की बात कर रहे हैं, उपासना भक्ति से बहुत छोटी वस्तु है, उसमें सारा कर्मकांड ही कर्मकांड फंसा हुआ है। इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, ठीक। अब जो उसी कक्षा में है उनके लिए वही ठीक है। ये सब करना होता है और ये सब छूट जाना पड़ता है, तब जाकर के भक्ति है। महाराज कहते हैं चित्त पिघलने का अनुभव, तैलधारे वया प्रीति भक्ति श्रुत्यनुशासनम श्रुत्यनुशासनम। महाराज कहते हैं वेदों ने क्या कहा है, वेदों के अनुसार भक्ति उस प्रेम के तैलधारावत अविच्छिन्न अखंड प्रवाह को कहते हैं। वो किसके बारे में हो, यू कैन चूज। हमारे यहां किसके बारे में है ये खटपड़ा आती नहीं है, क्योंकि हम दो को मानते ही नहीं है, दो है ही नहीं। क्षमा कीजिएगा, इतने मात्र के लिए थोड़े ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो ये भ्रम जाता ही नहीं है। इसकी भक्ति करना कि उसकी भक्ति करना कि उसकी भक्ति करना, हम लोगों के लिए प्रश्न खड़ा होता ही नहीं है। हम कहते हैं ये तीन अलग अलग है का, अलग अलग आपको दिखते हैं, इसका कारण यह है कि आपने उतना ही देखा है। भगवान आचार्य का जीवन मुक्तानंद लहरी ये अमर स्तोत्र है। आचार्य चरण कहते हैं उन लोगों को भ्रम होता है जिनको अच्छे गुरु से अच्छा ज्ञान नहीं मिला,
जिसको अच्छे गुरु से अच्छा ज्ञान मिल गया, मुनिर नव्यामोह भजति गुरु दीक्षा क्षततमा, उसकी आंख खुल गई। इसलिए वो गणपति को लेकर के भी नाचता है, शिवजी को लेकर के भी नाचता है, कृष्ण भगवान को भी लेकर के नाचता है, देवी को लेकर के भी नाचता है। इसमें उसे जरा भी, जैसा वैष्णव लोग चिल्लाते हैं अन्याश्रय अन्याश्रय, ऐसा कुछ लगता ही नहीं, अन्य है ही नहीं, हमें अन्य दिखता ही नहीं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बार एक बड़ी सुंदर बात कही। किसी ने उनसे कहा कि महाराज हम अनन्य हैं। महाराज ने कहा अनन्य क्या होता है? बस जो एक देवता को मानता है दूसरे को मानता नहीं वो अनन्य है। आप कैसे हैं? महाराज ने कहा हम फनन्य हैं। वो सामने वाले चक्कर में आ गया, फनन्य क्या होता है? महाराज ने कहा जो एक देवता से दूसरे को मानता ही नहीं वो अनन्य, और जो एक परमात्मा से अन्य को जानता ही नहीं वो फनन्य। हम दूसरे को जानते ही नहीं। जित देखो तित श्यामयी है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। सर्वम वासुदेव, इसलिए हमारे यहां है ना गड़बड़ी नहीं है, ये लोगों के दिमाग में खिचड़ी है सब। काशी की एक पद्धत कहता हूं आपको, शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है और हर एक की इच्छा होती है कि मैं विश्वनाथ भगवान का अभिषेक करूं। अब लोगों को लगता है कि मैं विश्वनाथ भगवान के, अब वो मंदिर इतना सा, और दिनों में भी वहां पर बैठ करके अभिषेक करना मुश्किल, वो महाशिवरात्रि को कौन कैसे करे? हमारे यहां प्रश्न नहीं है। पंचक्रोशात्मकम लिंगम, शास्त्र ने कहा है विश्वनाथ भगवान उस एक स्थान पर नहीं है। हम लोग सीधे गंगा जी में ही अभिषेक का पात्र पकड़ लेते हैं, विश्वनाथ भगवान का अभिषेक पूरा का पूरा गंगा जी का अभिषेक करके विश्वनाथ भगवान का अभिषेक होता है। इसमें विकल्प है तो दिमाग खराब है, फिर उसका इलाज दूसरा है। विकल्प ही नहीं तो पूर्ण पुण्य उतना ही मिलने वाला है। परमात्मा का जो भी स्वरूप आपको प्रिय है वह चिदानंदमय, वह अत्यंत सुंदर, सुंदरते ध्यान उभे विटे वरी कर कटवरी ठेऊनिया, तुलसी हार गणा खासे पीतांबर आवड़े निरंतर हे ची ध्यान। सुंदरते ध्यान रूप पाहता लोचनी, देखो सारे भक्तों की भाषा एक होती है, ये उनकी भाषा है जिन्होंने चखा है। जब तक चखता नहीं है ना तब तक पुस्तकें पढ़ पढ़ करके और सुन सुन करके लड़ता है, चखने वाला चुप हो जाता है। उसको पता है वो सामने वाला भी जब चखेगा तो वो यही कहेगा और क्या करेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे, पंडितों के ग्रंथ मत पढ़ो, साधकों को पंडितों के ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, संतों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए।
संतों के ग्रंथों में अनुभव की बात होती है, संतों के ग्रंथों में रस होता है, वो बातें हृदय को छूती है। पांडित्य बुद्धि विलास है, उसका अपना अलग एरिया है। सबद रामदास स्वामी कहते हैं पंडित लोग बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनका उद्धार नहीं होता है। जगी ही त पंडित सांडी तगेले, जगी ही त पंडित सांडी तगेले, अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले। मेरे ठाकुर साक्षात मेरे समक्ष है, वे बहुत सुंदर है और बहुत कोमल है। क्या बताऊं मैं आपको, हमारे देश ने कैसे महापुरुष देखे। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज का एक प्रवचन मैंने सुना, महाराज 2 घंटों तक केवल भगवान प्रभु रामचंद्र ठाकुर के चरण कमल की कोमलता पर ही बोल रहे थे। राघवेंद्र सरकार के चरण कितने कोमल है, 2 घंटा। फालतू ही बोल रहे थे? फालतू नहीं बोल रहे थे, भगवान के चरण कमल की कोमलता का चिंतन करते करते अपना मन कोमल होता है। आप किसी बड़े आदमी का चिंतन करो, आपका मन कोमल नहीं होगा। आप एक नन्हे से बालक का चिंतन करके देखो, थोड़ी देर उसी को निहार करके देखो, भगवान की बात छोड़ो, छोटा बच्चा। और छोटे बच्चे को देखते ही मन बदलता है। बड़ों को देख करके जो होता है वो आप लोगों को रोज ही होता है। उसमें कोमलता है, उसमें निष्पापता है, निरागस, सो इनोसेंट। मेरी तो पक्की धारणा है कि जो छोटे छोटे बालकों का चिंतन नहीं करेगा वो बालकृष्ण लाल जी की उपासना कभी कर ही नहीं पाएगा। छोटे बालक को देखो, उसकी ओर देख करके हमारे मन में जिस प्रकार का भावों का उद्रेक होता है, कभी तो भी भगवान बालकृष्ण लाल जी के सामने बैठ करके उस प्रकार की भावनाओं का उद्रेक हमारे मन में नहीं हुआ होगा तो हमने कहां भक्ति की। पूज्य डोंगरी जी महाराज लाला कहते रो देते थे, वो कभी ठाकुर नहीं कहते थे, कृष्ण नहीं कहते थे, कुछ नहीं, वो लाला कहते थे। लाला कहते उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। ये भावनाओं की कोमलता मूलतः ये साध्य है। पहले महाराज कहते भक्ति उससे होगी, इसलिए आप चाहे कृष्ण भगवान की, नारायण की, भगवान महादेव की, भगवान दानेश्वर महाराज की, किसी की भी भक्ति कीजिए, लेकिन एक ध्यान में रखना, वह अनध्यस्त विवर्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और केवल कुछ मिनटों तक ऐसा प्रयास हो जाए जीवन में कि बीच में एक भी अन्य विचार नहीं आए, एक भी वृत्ति नहीं उठे। तैलधारे वया प्रीतिर भक्ति श्रुत्यनुशासनम,
ज्ञाते तत्वे प्यगर्वाय सद्गुरोर भक्तिरिष्यते सच्चिष्याणाम सहज की तद्विदुच्छेदने परा। महाराज एक दूसरा सिद्धांत बतलाते हैं कि जीवन में भक्ति का त्याग कभी भी मत करना, आत्मज्ञान के पूर्व भी नहीं करना, आत्मज्ञान के बाद भी नहीं होता। भगवान शंकराचार्य महाराज के संप्रदाय में भी बहुत पागल लोग हैं जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं, जिनको लगता है कि भगवान आचार्य ज्ञान के प्रतिपादक हैं। ना, भगवान आचार्य ज्ञानोत्तर भक्ति के प्रतिपादक हैं। यहां पर महाराज कहते हैं उत्तम शिष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु की भक्ति का त्याग जीवन में कभी नहीं करे, ज्ञान के पूर्व नहीं करे, ज्ञान के पश्चात भी नहीं करे। यावत् जीवस्त्रयो सेव्या वेदांतो गुरुरीश्वरः आदौ ज्ञानाप्तये पश्चात कृतघ्नत्व निवृत्तये, ऐसा हमारा शास्त्र का एक वचन है। अभी ज्ञान नहीं हुआ है और गुरु भक्ति नहीं रही तो ज्ञान होने से रहा वो कभी होगा नहीं। ज्ञान हो गया, महाराज कहते हैं ज्ञान के पश्चात भी एक बात ध्यान रखना, भक्ति शास्त्र को मैंने लगभग सारी दृष्टियों से देखा। महाराज कहते हैं ज्ञान के पश्चात भी भक्ति का त्याग होता नहीं, यदि वो भूले चुके हो गया तो अहंकार जाता नहीं, और जब तक अहंकार जाता नहीं तब तक पूर्णता की अनुभूति नहीं। इसलिए ज्ञान पूर्व काल में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की भक्ति करना और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मेरा अहंकार न बढ़ जाए इसलिए सद्गुरु की भक्ति करना। प्रेम वृत्ति के बिना अहम वृत्ति का विसर्जन नहीं होता, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी, आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भी सद्गुरु भक्ति का विसर्जन नहीं हो सकता। इसीलिए तो भगवान का दर्शन होने के पश्चात भी वृत्रासुर को असुर योनि में आना पड़ा। और उसने सीधे भगवान से यही मांगा, ठाकुर आपकी सेवा जब होगी तब होगी, मुझे आपके चरणों की सेवा करने वाले दासों के दासों की सेवा प्राप्त हो जाए, क्योंकि अहंकार के कारण उसके मुख से शिवजी के लिए कुछ अपशब्द निकल गए थे जिससे पार्वती माता ने उसको शाप दिया था और वह अच्छा भक्त होने पर भी असुर योनि में आया था। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया, तब पादैक मूल दासानुदासः, आपके चरण कमलों की भक्ति करने वालों के चरणों की भक्ति करने का सौभाग्य मुझे दीजिए। भगवान की भक्ति से भी अहंकार नष्ट नहीं होता, वह सद्गुरु की भक्ति से ही होता है। अब इसका विवेचन करना अभी की बात नहीं है,
लेकिन इतना बतला देता हूं, भगवान की सेवा करते समय हम लोग स्वतंत्र होते हैं, परतंत्र नहीं होते। जब हम जग गए तब ठाकुर जी को जगा दिया है कि नहीं, बोलो। अच्छा, ठाकुर जी के लिए आज भोग सामग्री क्या बनेगी? तो सास कहती है कि आज अपने जवाई जी आने वाले हैं, उनको गुलाब जामुन भाते हैं, गुलाब जामुन बनाओ। वो बनते जवाई के लिए, इनको तो ऐसे ही खाना पड़ता है। यहां केंद्र में भगवान रहे नहीं, केंद्र में प्रपंच आ गया कि नहीं, बोलो। अपने समय से भोगधर आ जाएगा, जवाई को क्या भाता ये सोच करके रसोई बनेगी। और आज मैं जाने की जल्दी है इसलिए भोग भी है ना, वैसे रोज 11 बजे धरते हैं लेकिन आज प्लेन फ्लाइट पकड़ना है, 8:30 बजे भोग धर के। कौन पूछता है उसको भूख लगी है कि नहीं लगी है, ये होता है कि नहीं, बोलो। तो इसमें हम लोग हो गए स्वतंत्र, ठाकुर हो गए परतंत्र। सीधी बात, ये गुरु के साथ नहीं किया जा सकता। गुरु जी से ये कहेंगे क्या कि आज हमारे जवाई जी आने वाले हैं, उनको गुलाब जामुन भाते हैं, इसलिए आपको शुगर है तो भी कोई बात नहीं करना है, ये खा लो चुपचाप। हम लोगों को जाने की जल्दी है, आज आप सवेरे 7 बजे ही भोजन कर लो। गुरु सेवा में ये सब नहीं हो सकता। गुरु सेवा में हम परतंत्र होते हैं इसलिए अहंकार नष्ट होता है, और ठाकुर सेवा में हम स्वतंत्र बन जाते हैं इसलिए अहंकार भी जम करके रहता है, वो जाएगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ठाकुर बेचारे कभी शिकायत करते नहीं, क्या आपने आज मुझे क्यों जागरण करा दिया, आपको नाचना था वो ठीक है लेकिन हमें नहीं सोना था। ठाकुर शिकायत नहीं करते, गुरुजी कर सकते हैं, वो डांटते भी नहीं, गुरुजी डांट सकते हैं। महाराज एक सिद्धांत बतलाते हैं, गुरु सेवा के बिना अहंकार विलय का अन्य कोई साधन नहीं। अहंकार का पूरा विलय होगा वो गुरु सेवा से ही होगा, ठाकुर सेवा से नहीं होगा। ज्ञाते तत्वे प्यगर्वाय सद्गुरोर् भक्तिरिष्यते सच्चिष्याणां सहजिकी तद्भिदुच्छेदने परा शिव भक्ति सदा ग्राह्या विश्वराग निवृत्तये कृष्ण भक्ति सदा ग्राह्या रसास्वादापनोदिनी। भगवान शिव की भक्ति और भगवान कृष्ण की भक्ति, ये दोनों भी जीवन में साधन में बहुत उपयोगी और आवश्यक प्रवृत्ति है। शिव भक्ति से वैराग्य की प्राप्ति होती है, कृष्ण भक्ति से रसास्वाद की निवृत्ति होती है। शिष्य प्रेमणा जगत बाधात गुरु हरिहरात्मकः तद्भक्तिर्व्यापिनी ग्राह्या देव भाव समन्वयात। महाराज यहां पर कहते हैं कि हरि और हर इन दोनों की भक्ति ग्राह्य है, लेकिन ये दोनों भी सद्गुरु में एकत्रित होते हैं इसलिए उनकी भक्ति अधिक ग्राह्य है।
देवत्व गुण रूपस्याश्रयो द्रव्यम भवेद् गुरुः इति न्यायेन संचिन्त्य नात्मभिन्नं पुनश्च तत्। महाराज कहते हैं सदगुरु की कृपा से हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, क्या करने से भक्ति आएगी? तल्लाभाय साधनानि कथितानि महात्मभिः सर्वमार्ग स्वतंत्रोऽयं भक्ति मार्गोऽथ शब्दतः। पहली बात महाराज कहते हैं कि एक ध्यान रखना, भक्ति मार्ग अन्य किसी भी मार्ग की अपेक्षा रखता नहीं। अन्य कोई भी साधन उनके साथ जुड़ जाता है तो ठीक है, नहीं तो केवल भक्ति ही जीव का पूरा उद्धार करती है। एक लेश एक टके का कर्मकांड नहीं है, एक टके का ज्ञान नहीं है, एक टके का योगाभ्यास नहीं है, और केवल भक्ति है वो उद्धार करेगी। और कितना भी कर्मकांड किया, कितना भी वेदांत पढ़ा और कितना भी कपाल भाती और भस्त्रिका करते बैठे तो भी उद्धार नहीं, यदि भक्ति नहीं है। भक्ति इज मोस्ट एसेंशियल, ना इंडिस्पेंसेबल। ज्ञान नहीं है तो उद्धार में गड़बड़ नहीं है, योग नहीं है तो भी नहीं है, कर्मकांड नहीं है तो भी नहीं है, भक्ति नहीं है उद्धार ही नहीं है। महाराज एक एक बात बड़ी ठोस बोलते हैं। वे कहते हैं देखो, सूत्रादि समारब्धो ब्रह्मपुत्र मुखैर्यतः समाधि भक्ति योगेन घेरंड मुनि भाषितम्। हम लोग केवल नारद भक्ति सूत्र सुनकर के स्तब्ध हो जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र उत्तम ग्रंथ होने पर भी भक्ति का कोई अकेला ग्रंथ नहीं है। शांडिल्य भक्ति सूत्र उतना ही प्रौढ़ ग्रंथ है। घेरंड संहिता, कितना भी योग करने पर भी जब तक आप सगुण साकार की भक्ति नहीं करते तब तक आपकी पूर्णता नहीं है, बतलाने वाला ग्रंथ। और इनका तो पता ही नहीं हम लोगों को। महाराज कहते हैं इन सारे ग्रंथों का सार मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन सारे ग्रंथों ने एक यही बात कही कि समाधि भक्ति योगेन घेरंड मुनि भाषितम्। इन सब का समावेश करके मैं बतलाता हूं भक्ति के मुख्य तीन प्रकार, गौणी, मध्य और परा। अब देखिए गौणी भक्ति और परा भक्ति ये दो शब्द आपने सुने होंगे, ये मध्य भक्ति भी एक यहां पर लाए महाराज। बिकॉज ही एनालाइजेस एवरीथिंग, उनके जितनी विश्लेषण पद्धति किसी की नहीं है। एक एक बात को तार तार करके वे अलग अलग करके हमारे सामने सिद्ध करते हैं। गौणी भक्ति का वर्णन करते समय वे भक्ति के जो नौ प्रकार हैं उनमें आठ प्रकार गौणी भक्ति के बतलाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन नौ प्रकारों में सख्य पर्यंत गौणी भक्ति है।
आत्मनिवेदन पराभक्ति में चला जाता है। भावये संस्कृतौ दुःखं विषये दोष दर्शनात् गृहसौख्यं परित्यज्य साधु संगतिमाश्रयेत्। भक्ति कब होगी? महाराज कहते हैं पहली बात यह है कि आपको अपने संसार की अपूर्णता का बोध पहले होना चाहिए। संसार में सुख ही सुख है, संसार बस पर्याप्त है, अच्छा ही अच्छा है, आदमी से भक्ति होने वाली नहीं। जब तक आपको उसमें दुखमयता का आभास नहीं होगा तब तक सच्ची भक्ति के पीछे नहीं पड़ेंगे। मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ भी शायद करेंगे, जैसे अन्य रूटीन है वैसे ये भी एक कर लिया, इस भावना से करेंगे, लेकिन वो सच्ची भक्ति नहीं है। उसमें भावना अच्छी है लेकिन तीव्रता कम है। तीव्रता कब आती है? तीव्रता आती है संसार के दोषों को देख करके। इतना उसका विश्वास किया, उसने इतना विश्वासघात किया, आदमी को धक्का लगता है। हमारे घर पर भी यह प्रसंग आएगा, कभी सोचा नहीं था लेकिन इतनी आपत्ति आ गई, आदमी को धक्का लगता है। और यह धक्का इतना अच्छा होता है कि उससे जो घर छूटता है ना, फिर घर की ओर देखने को मन नहीं करता है। तुकाराम महाराज का जीवन ही ऐसा है। 21 वर्ष की अवस्था में व्यापार और सब घर आदि छोड़ दिया, कुछ भी हो गया मुड़ करके उधर देखा ही नहीं। कितने लोगों ने कितना समझाया, महाराज ने कहा नहीं।